आज मैं आपको बताने वाला हूँ सागर रियाज। जो हम सागर रियाज करेंगे वो कुछ इस प्रकार होता है। जब हम गाएंगे सा, दो तरीके हैं। आप तो एक नोट पकड़ के भी गा सकते हैं सा, या फिर आप सा पा और सा, सा पा सा, आप सा पा सा पकड़ कर भी गा सकते हैं, जिससे आपको बाकी नोट्स गाने में हेल्प मिलेगी। अगर आप प्ले करना नहीं जानते हैं तो सा पा सा, ये तीन नोट आप दबाएं और प्रैक्टिस करें। जब इसका सही वक्त मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप रियाज करने के लिए कोई सही वक्त ढूंढ रहे हैं तो मैं उस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल से कि हर इंसान के बस का नहीं होता कि वो सुबह 5 बजे ही उठकर रियाज कर पाएगा और शाम का रियाज अलग कर पाएगा। तो आज की जो लाइफ स्टाइल है हमारी, इसमें ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग जॉब से ही फ्री होते हैं सुबह 5 बजे, तो वो कहाँ से रियाज करेंगे सुबह 5 बजे। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आप जब भी सोकर उठें, जिस वक्त भी आप उठ रहे हैं, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका गला हमेशा अच्छा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा रियाज में रहे, तो जब भी आप उठें तो नीचे का रियाज करें, ऊपर ना जाएं। एकदम उठते ही हमारा गला जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, आपकी तरह वो भी सो रहा है। उस गले को एकदम से अगर आप स्ट्रेस देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस तरीके से, और हो सकता है जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आए। इसलिए बेस्ट तरीका है सुबह, अगर आप उठते हो तो सुबह का रियाज भी यही है, और अगर आप लेट कभी उठते हो, जब आप उठते हो उस वक्त आप नीचे का रियाज करें। पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे ओ, तो ये ओम का रियाज इसलिए किया जाता है क्योंकि ओम जो है वो ब्रह्मांड का साउंड है, वो पूरे यूनिवर्स का साउंड है। जब हम ओम बोलते हैं तो हम अपनी बॉडी को भी एक्सेस करते हैं, और ब्रह्मांड में जो कॉस्मोस है हमारा, हम उस सबको एक्सेस करते हैं और उस सबको इनवाइट करते हैं अपने अंदर, अपने साथ, कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। तो जब हम ओम बोलते हैं तो उस ओम को इसलिए हमारे कहते हैं कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में उसको जगह मिली है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ा ओम करते हैं। और इसके साथ अगर हम जोड़ दें ओ सरस्वते सरस्वते नमः, या फिर ओम सरस्वते नमस्तुयम नमस्तुयम, हम सरस्वती माता को नमस्कार कर रहे हैं शुरू करने से पहले। ओम सरस्वते नमस्तुयम, ऐसा आप 5 बार करें, उसके बाद आप गाना शुरू करें। तो सबसे पहले हम सुर साधेंगे सा सा, अब कई लोगों के मन में यह डाउट आएगा कि सा कितना लंबा खींचना है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आप जब सांस लेते हो, ये सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो कितनी सांस अपने अंदर अपनी छाती में रख पाता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है आप कितना लंबा सा बोलें। तो स्टार्ट आप जब करें तो वार्म अप करते टाइम धीरे धीरे गाएं सा सा, पहले आप समझें जो आप सा मुंह से बोल रहे हैं और जो ये बज रहा है, ये दोनों मैच करने चाहिए। सा सा सा, हमेशा मैच होना चाहिए। सा नि सा सा नि ध, ये हमेशा मैच होना चाहिए। तो स्टार्ट जब हम करेंगे तो सा से शुरू करेंगे, सा को पहले सा देंगे सा, ऐसे ही आप जितना लंबा उसको खींच सकते हैं। पहले आप, मैं कहूँगा 5 मिनट सागर रियाज करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे सा सा नी
एक नोट को हम समझेंगे और उसको गाएंगे सा, फिर जो नोट गा लिए उनको बार बार गाएंगे सा ने सा ने सा ने। अब धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे सा ने धा। और एक बात और आप ध्यान रखें, जब सा बोल रहे हैं तो आ का उच्चारण होगा, जब आप नी बोल रहे हैं तो ई का उच्चारण होगा सा नी ई आना चाहिए सा नी धा पा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा। ऐसे आपको नीचे जाना है सा नी धा कि अभी ये शाम का वक्त है तो नीचे के जो स्वर होते हैं वो गले से थोड़े गायब होने लगते हैं, तो वो अगर आप रेगुलर रियाज करेंगे तो पूरे दिन रहेंगे। और एक चीज और, शाम के वक्त आपको मध्य सप्तक में ही रियाज करें और थोड़ा तार को गाने की कोशिश करें। अगर आप अभी आप मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक पर ध्यान दें वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% जो हमारा गाना होता है, 80% तो नहीं 60% जो हमारा गाना होता है वो मध्य सप्तक में होता है और 20% वो मंद्र सप्तक में होता है और 20% वो तार सप्तक में होता है। तो जो पूरा जो गानों की कॉम्पोजिशंस होती है वो मध्य सप्तक में उसका बहुत बड़ा, मध्य सप्तक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आप मध्य सप्तक की प्रैक्टिस हमेशा करें। पहले आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला रियाज आप करेंगे वो करेंगे थोड़ी देर सा नी धा पा कई लोग सा नी धा पा मा यहाँ तक ही जा पाएंगे। ये क्योंकि हमारा जो वॉइस होता है उसका एक टाइप होता है, मैंने अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। मेल वॉइस के तीन पार्ट होते हैं, तीन तरह के टाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बेस, बैरिटोन और टेनर। ये मैंने आपको बताया था। तो जो बेस जिनका वॉइस टाइप होता है वो आराम से चले जाएंगे मंद्र सप्तक के सा नी तक भी पहुंच जाएंगे, वो लोग बहुत आराम से जाएंगे। और जो जिनका जो बैरिटोन है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो टेनर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर एक वॉइस टाइप की अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी ताकत होती है। जो बेस होता है वो बेस नोट्स काफ़ी ईजिली गाता है, और जो टेनर होता है वो हाई नोट्स को काफ़ी अच्छे से गाता है और आराम से गाता है, और जो बैरिटोन होता है वो उसमें क्षमता होती है वो दोनों नोट्स को अटेम्प्ट कर सकता है। और उसका परफेक्शन जो होता है वो मध्य सप्तक में होता है, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत फ्री होता है मध्य सप्तक पे। तो आप अपने अपने हिसाब से करें रियाज, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो सी शार्प स्केल पे ही रियाज करना चाहिए। ऑलराइट, तो लेट्स गो सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा। तो हमें जो रियाज करना है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लेसन जो है हमारा। सबसे पहले हम 5 मिनट सा सा देंगे सा। अब उसके दो तरीके हैं सा, ये आप तीनों को भी पकड़ सकते हैं सा पा सा, आप ये पकड़ के भी गा सकते हैं सा पा सा, या एक एक नोट करके इंडिविजुअली भी गा सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो आप वो करें। तो पहला रियाज जो होगा वो होगा सा नी धा पा करेंगे सा बहुत देर तक। उसके बाद यही हम करते रहेंगे अगले 5-10 मिनट तक, ताकि हमारा गला जो है वो वार्म अप हो जाए उसका। उसी प्रकार जब ये हो जाएगा मंद्र सप्तक का रियाज, तब हम आगे बढ़ेंगे सा नी धा पा सा नी धा पा। अगर आप अभी गाना चाह रहे हैं तो आप साथ में गा सकते हैं सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा। तो इस तरह हम लोग नीचे जाते जाएंगे।
और सिमिलरली जब आपको लगे कि आपका गला खुल रहा है, आप और गा पाएंगे, आपके अंदर वो ताकत आ रही है, आपके गले को थोड़ी मजबूती मिल रही है प्रैक्टिस करते करते, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो सारे सा सारे सा सारे गारे सा सारे गा मा गारे सा। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी उठें, जिस वक्त भी आप उठ रहे हैं, उस वक्त आप मंत्र सप्तक पर रियाज करें, और रियाज करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम बोलेंगे ओम सरस्वती नमस्तुयम, ओम सरस्वती नमस्तुयम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम सा को थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे सा। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो पूरा ना जा पाए, तो वो नीचे जितना जा पा रहे हैं उतना ही जाए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा। जब आपका गला खुल जाए तो मैं आपको बोलूंगा मध्य सप्तक का सा से पा तक का ही रियाज करें सुबह। सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा सा रे गा मा पा, इसका रियाज करें। क्या है रियाज? सा रे आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक बेसिक रियाज जो आप फर्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जो आज हमने करा है। इसको आप प्रैक्टिस करें, आप इसको 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा ट्यूटोरियल भी मैं जल्दी इस चैनल पे अपलोड करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोग इस रियाज को ज़रूर करें, और उसके बाद ही आप सेकेंड ट्यूटोरियल को देखें, सेकेंड ट्यूटोरियल तक जाएं, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड होने वाला है। आगे जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं दूंगा।